बच्चों का विज्ञान, कागज इंचल और गेंद का प्रयोग करके बच्चे कुछ करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं बच्चे क्या करने वाले हैं। बताओ बेटा, एक इंचल है, इंचल है, एक बॉल है, बॉल है, ठीक, इंचल को ऐसे रख दिया, ठीक, ये गिरेगा कि नहीं गिरेगा? गिर जाएगा। हाँ गिराओ, एक गिर गया। जब हम जो है इंचल पे उठाओ उसको, अब इंचल पे जैसे ही हम बॉल जब कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, गिरा रहे हैं, तुम भी करके दिखाओ बेटा। हाँ अब देखिए इंचल गिर जा रही है, ठीक है। अब क्या करना है हमें है जो है, हाँ पेपर, ठीक, हाँ। अब अगर उसी गेंद को हम जब गिराएंगे इंचल पे तो वह इंचल नहीं गिरेगी, नहीं गिर रही है। तुम भी गिराओ, नहीं गिर रहा है। गेंद उठाओ, गेंद उठा लो, एक बार फिर करके दिखा दो। हाँ नहीं गिर रहा, देखिए नहीं गिर रहा है, ठीक है। अब उसी कागज को वहां मोड़ के अगर हम जो उस इंचल पे रखते हैं तो क्या गिरेगा देखते हैं। उसी कागज को थोड़ा मोड़ दिया गया है, मोड़ने के बाद यहाँ पर गिराएंगे तो देखिए गिर जा रहा है। कागज वही है लेकिन जब उसे मोड़ करके, फिर एक बार दिखा दो, मुड़े हुए कागज को नीचे से उठाओ, ठीक, हाँ, और फिर जो है यहाँ पे उसको धीरे से रखो, हाँ फिर दिखाओ, हाँ गेंद मारो, देखिए गिर जा रहा है। जब कागज फोल्ड हो रहा है तो उस टाइम गिर जा रहा है, अब उस तरीके से जब रह रहा है कागज खुला हुआ ओपन तो नहीं गिर रहा। ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ कागज का क्षेत्रफल ज्यादा है जिसके वजह से वह इंचल पे अधिक दाब लगा रहा है, वायु दाब कारण इंचल नहीं गिर रही है। लेकिन जब कागज को हम मोड़ दे रहे हैं तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जा रहा है? कम, जिसकी वजह से अधिक दाब इंचल के ऊपर नहीं लग पा रहा है, जिसकी वजह से इंचल गिर जा रही है। बहुत अच्छे, शाबाश।